एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है, इतनी गंदी नजर से मुझे मत देखो। फिर लेंशन कुछ नोटिस करती है और फिर वो कोट का बटन खोल देती है और कहती है, कोट के बटन को बंद मत करो और शर्ट के पहले बटन को भी, इस तरह से कंफर्टेबल भी लगेगा और कैजुअल भी। फिर फैंग शर्मा जाता है और चुपचाप अपनी शर्ट का बटन खोल लेता है और वहां खड़ी एक लड़की कहती है, आपको ये बात मानने वाला लिटिल व्हाइट रैबिट कहाँ मिला और जल्दी से आप इसे खुद के लिए रख क्यों नहीं लेती। फिर लेंशन सोचती है, लिटिल व्हाइट रैबिट, और फैंग कहता है, ये लो आज रात गाजर खाओ। फिर लेंशन कहती है, इसका फुल सेट और बो टाई जो हम देख रहे थे, मुझे वो सब चाहिए। फिर फैंग कहता है, पर मुझे टाई पहनना है। लेंशन कहती है, तुम एक जवान आदमी हो, पुरानी फैशन वाली ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, टाई तुम तब पहनना जब तुम मेरी डेड बॉडी के ऊपर से जाओगे। इसके बाद हमें अगले दिन दिखता है और टोयोटा के नाम की वाट लगा दी। फिर सारे स्टाफ एक जगह होते हैं। लेंशन सोचती है, बिग बॉस इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई है ये। फिर वैंग कहते हैं, मैंने सुना है बिग बॉस अचानक से स्टाफ क्वालिटी और लॉयल्टी सर्वे करना चाहते हैं और जिनका रिजल्ट खराब आएगा उन्हें निकाल दिया जाएगा, तुम ध्यान रखना। फिर लेंशन कहती है, चिंता मत करो, मैं एक एक्सलेंट एम्प्लॉई हूँ, इसे लैटिन से मैं ढूंढना मुश्किल है। इसके बाद वहाँ मिस्टर सॉन्ग आते हैं अपनी गैंग लेके, क्या एंट्री है यार, और लेंशन उन्हें देख के शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर सॉन्ग लेंशन के पास से गुजरते हैं और लेंशन उन्हें हेलो कहती है। फिर मिस्टर सॉन्ग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और फिर लेंशन सोचती है, ये जॉब तो गई। फिर इनकी मीटिंग शुरू होती है और एक लड़की कहती है, बॉस असल में बहुत हैंडसम है। इसके बाद एक लड़की कहती है, स्टाफ क्वालिटी और रॉयल्टी सर्वे पूरी तरह से बॉस के फैसले पर आधारित है। फिर दूसरी लड़की कहती है, मुझे निकाला तो नहीं जाएगा ना। फिर उसको एक लड़की कहती है, पता नहीं, ये एम्प्लॉय को निकालने का एक तरीका है। फिर लेंशन फैंग को मैसेज करके कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे शायद नौकरी से निकालने वाले हैं। फिर फैंग कहता है, ओह। फिर लेंशन सोचती है, क्या खतरनाक रिप्लाई है, इसे देख के लोग फट जाएंगे। फिर लेंशन लिखती है, बिजी हो। फिर फैंग कहता है, नहीं तो। फिर लेंशन कहती है, इसका मतलब तुम मेरी परवाह नहीं करना चाहते। फिर फैंग कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर लेंशन कहती है, तो फिर तुम्हें मुझे दिलासा देनी चाहिए। फिर फैंग कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लेंशन कहती है, ये कैसे हो सकता है, मेरी जॉब जा रही है, मैं भूखी रहूंगी। फिर लेंशन सोचती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कंपनी चेंज करना भी चलेगा, पर मैंने यहाँ इतने साल बहुत मेहनत की, इतने कॉन्टैक्ट्स बनाए, सब चला जाएगा। इसके बाद लेंशन को मैसेज आता है और फैंग लिखता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर लेंशन कहती है, इसको ये भी नहीं पता लोगों को कंफर्टेबल कैसे करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, स्टाफ क्वालिटी का रिजल्ट बन चुका है एक लिस्ट में और उन्हें उनके डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप सब अपने डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं दो लोगों के बारे में बताऊंगा जिनमें से एक ने बुरा काम किया है और एक ने अच्छा। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, एन यूकिन, सुपरवाइजर ऑफ कस्टमर सर्विस, तुमने रिटर्न विजिट को कंप्लेंट में बदला जिससे कि कंपनी की रेपुटेशन और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की रेपुटेशन पे इफेक्ट हुआ है। ये तुम्हारा पहला दिन नहीं है कस्टमर सर्विस में, ये तुम्हारी प्रोफेशनल क्वालिटी है, तुम्हारा एक महीने का बोनस कटता है। और दूसरा, जिसने अच्छा काम किया है उसने मुझे सीरियस और क्वालिटी सर्विस दी जब मैं क्लाइंट बन के आया था, डेडिकेटेड सर्विस, सुपर नॉलेज हर कार के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने मनी और ब्यूटी का टेस्ट पास किया, और वो इंसान है लेंशन। फिर लेंशन सरप्राइज हो जाती है और फिर सोचती है, तो जो ने मुझसे कहा था वो स्टाफ क्वालिटी और लॉयल्टी के लिए था। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, गुड जॉब, ऐसे ही मेहनत करते रहो। फिर लेंशन थैंक यू बोलती है और सोचती है, किस्मत से मेरे पास लव और डेडिकेशन है और मैं अपने दिल से जुड़ी हुई हूँ। जैसा मैंने कहा, मिस्टर सॉन्ग बाकी लोगों जैसे नहीं है जिसके पास वुमेन कंपनी नहीं है। फिर लेंशन कहती है, आज मेरी तरफ से पार्टी। फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, कोई जल्दी नहीं है, इस तरह की स्ट्रांग लेडी सिर्फ जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है। इसके बाद ये लोग पार्टी करके वापस अपने अपने घर जाते हैं। फिर लेंशन को एक कॉटन कैंडी की शॉप दिखती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।